नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल इंट्री का काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को ये लिंक दिख जाएंगे, इस वाले पेज पे आप सभी को आकर के काउंसलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होगा। तो इस वाले लिंक पे कैसे आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, या फिर आप देख सकते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको BCCB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी है और फिर इस वाले सेक्शन में ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCCLE 2020 पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरे वाले नंबर पर दिख जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ DCCLE 2020। इस वाले पे आपको क्लिक करनी होगी अगर आपने DCCLE का एग्ज़ाम दिया है तो। ऐसे आप UGC का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी वाले पेज पे आना होगा। तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन में आपको कैंडिडेट लॉगिन का सेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आप इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद आपके यूजर आईडी और पासवर्ड बनेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस फॉर एडमिशन के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि नया रजिस्ट्रेशन, फिर करना होगा कॉलेजों का चॉइस फिलिंग, और फिर उस कॉलेजों को लॉकिंग या अनलॉकिंग लॉक करना होगा। उसके बाद जो लॉक किए हुए ऑर्डर पर यानी कि लिस्ट पर उसको आप प्रिंट कर लीजिए, और फिर रिपोर्टिंग एट कॉलेज इंस्टीट्यूट। आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट दिए गए काउंसलिंग में, जिस काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन होता है, आपको इंस्टीट्यूट में जाकर के उसे सबमिट करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो मैं करता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक, जूम कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप DCCLE का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए DCCLE एडमिशन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपका यह नया पेज ओपन हुआ। ये जो आप नया पेज देख रहे हैं, यहाँ पे अप्लाइंग इन DCCLE एडमिशन काउंसलिंग, तो यहाँ पे अग्री का बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको रोल नंबर जो कि एडमिट कार्ड में आपको एग्ज़ाम देते वक्त दिया गया है, उस वाले रोल नंबर को डाल देना है, और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को डालनी है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड से ही डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है, और फिर सिक्योरिटी कोड या फिर कैप्चा कोड कहले आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सबमिट कर देनी है। और दोस्तों इसके बाद एक दो स्टेप कहीं और आपको करना पड़े, जैसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, फिर आपको पासवर्ड नया बनाने को कहा जाएगा, तो आप वो प्रोसेस कर लीजिए। और फिर दोस्तों यानी कि अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका रोल नंबर पता है और पासवर्ड भी आपने बना लिया, तो अब आपको करना होगा कैंडिडेट लॉगिन। तो लॉगिन के लिए पुनः आप इस वेबसाइट पर चले आइए, और इसी वाले सेक्शन में जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का ये सेक्शन है, यहाँ पे आप DCCLE को चुनिए, फिर रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके कैप्चा को डाल करके साइन इन कीजिए। और यहाँ से अब साइन इन करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स अब सभी को आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आगे का प्रोसेस बता दिया गया है। लॉगिन करते ही आप लोगों के सामने ब्रांच कॉलेज का नेम के साथ बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, मोर देन 100 या फिर 150 या फिर 200 के करीबन। तो उन सारे ब्रांचेज और कॉलेजों को आपको चॉइस फिलिंग उसे कहा जाता है चुनना है, जो आपका पसंदीदा हो उसे ऊपर चुनिए, और फिर उसके बाद चॉइस लॉक कीजिए, और फिर उसे प्रिंट कीजिए, और फिर आपको जब काउंसलिंग जिस काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन होता है आपको वहाँ पे कॉलेज में ले जाकर वहाँ पे काम आए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।